हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप? फाइन, ओके। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। और कल हमने क्या किया था? इंग्लिश में साउंड्स ऑफ ई। आज वही है, कंप्लीट द वर्ड्स। कौन सा है? साउंड्स ऑफ ई। इसमें बेटा देखो, कल हमने इसकी स्पेलिंग की थी, आज इनको कंप्लीट करना है। इसके अंदर क्या लिखना है? डी ई एन। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? यहाँ पे ई का। अब सभी स्पेलिंग में आपको क्या लिखनी है? यहाँ पे ई। अब देखो, यहाँ पे हमने ई लिखा तो किसकी स्पेलिंग बनी? डी ई एन, डेन। अब नेक्स्ट क्या है? साउंड ऑफ ई के अंदर हमने कौन सी स्पेलिंग की थी? हैन की। तो यहाँ पे क्या है? एच ई एन, हैन। वैसे ही नेक्स्ट ये किसकी स्पेलिंग है? मैन की। तो यहाँ पे क्या आएगा? एम ई एन, मैन। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? देखो सभी, यहाँ क्या आएगा? किसकी स्पेलिंग है ये? पेन की। तो यहाँ पे पी ई एन, पेन। क्या बन गया ये? पेन। नेक्स्ट है, ये क्या है? टेन। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आप लोग बोलो, ई का। तो यहाँ पे क्या आएगा? टी एन, टेन। ये क्या है? कंप्लीट द वर्ड्स। इन स्पेलिंग को कंप्लीट करना था, तो हमने क्या किया है? इनके बीच में ई का यूज किया है। तो ये क्या है? सारे साउंड्स ऑफ ई के अंदर कंप्लीट द वर्ड। ओके बेटा, समझ आई आपको? ये है साउंड्स ऑफ ई, कंप्लीट द वर्ड। अब आपको ये अपनी नोटबुक में से राइट करना है। ओके बेटा, ओके, बाय, थैंक यू।